हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है मैं ऑन डिमांड बना रही हूं क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि हैवी बस्ट वाले या जो प्लस साइज़ वाले लोग हैं उनको कैसी ब्रा प्रेफर करनी चाहिए कि उनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो ओवर बल्जिंग होती है वो ना दिखाई दे, या हैवी बस्ट होने की वजह से जो है स्ट्रैप्स जो है यहाँ पे दाग छोड़ के चले जाते हैं। अगर हैवी बस्ट है तो भी कैसी स्ट्रैप्स यूज़ करनी चाहिए, मतलब हैवी बस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनके लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो मुझे लगा मुझे आप लोग के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। उसके लिए मैंने स्पेशली 5 ब्रास मैंने खरीदी है, वो खरीदी है मैंने ज़िवामे से, तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड जो भी अभी 5 ब्रास मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हर एक की एक एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कुछ जो है मिनिमाइज़र ब्रा है, मतलब जो हैवी बस्टेड वाले हैं अगर वो उसको पहनेंगे तो उनकी ब्रेस्ट जो है थोड़ी मिनिमाइज़ होकर दिखेगी, एंड जिनको सैगिंग की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़े हैवी पर्सनैलिटी है, आपका जो है ब्रेस्ट भी हैवी है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपके पास अगर प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रा नहीं है तब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं अभी आपको एक एक करके ब्रास दिखा देती हूँ। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको यही ब्रास सेम टू सेम खरीदनी है तो आपको ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। तो ये जो मैं ब्रास अभी आपको दिखाने वाली हूँ, हैवी बस्टेड वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, एंड अगर जिनकी जिनकी ब्रेस्ट साइज़ थोड़ी कम है वो भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो स्मॉल साइज़ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर साइज़ इस एंड आप परचेज कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको फटाफट से ब्रास दिखा देती हूँ। एंड एक और आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि जो मैंने ब्रास खरीदी है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको अगर जो साइट पे जो चल रहा हो कोई भी ऑफ़र उसके ऊपर आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा। तो मेरा कूपन कोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यू कैन यूज़ इट। सो कूपन कोड देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी ने भेजा है तब मैं दे रही हूँ। कूपन कोड जो है हम जब खरीदते हैं हैवी उसमें तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भी एक कार्ड आता है जहाँ पे लिखा रहता है कूपन कोड, कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी वो यूज़ हो पाए। जो मैंने लिंक नीचे दिया उसके थ्रू अगर आप परचेस करते हैं तो आपको भारी से भारी डिस्काउंट मिलेगा। यही ब्रास अगर आप शॉप पे जाके ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी। तो मैंने नई ब्रास इसलिए मंगाई क्योंकि जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ उनको दिखाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा करके मैंने न्यू ऑर्डर करी है। तो लेट मी शो यू वन बाई वन। सो सबसे पहली ब्रा जो है वो है मिनिमाइज़र ब्रा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जिसको पहनने के बाद अगर आपकी ज़्यादा ब्रेस्ट भी है उसके शेप की वजह से वो बहुत मिनिमाइज दिखेगी। ये नहीं है कि हैवी बस्टेड वाले ही यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं, बट हैवी बस्टेड वालों के लिए तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो ये देखिए, ये फर्स्ट ब्रा है मिनिमाइज़र वाली, तो इसका आप शेप देख सकते हैं एंड इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये अगर मैं साइड से इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके ब्रेस्ट को एक पॉइंटेड लुक मिलेगा। कुछ ब्रास जो होती है वो एकदम राउंड शेप देती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है फ्लैट हो जाती है, तब आपकी अगर हैवी ब्रेस्ट है तो और भी ज़्यादा हैवी दिखती है अगर उसका शेप इस हिसाब से नहीं है। लेकिन कुछ जो होती है अगर उसका पॉइंटेड शेप दिया हुआ है लेकिन आगे फ्लैट दिया है तब भी वो अच्छी दिखती है एंड प्रॉपर शेप दिखता है। तो मैं आपको आगे आने वाले ब्रास में वो डिफरेंस भी दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रा। एंड जब क्वालिटी की मैं बात करूँ, ये एकदम सैटिन मटेरियल है ऊपर से, एंड अंदर से देखिए एकदम कॉटन जो है बनियान का क्लॉथ लगा हुआ है। ऊपर से आप इसको पहनेंगे तो आपको, आप ये टी शर्ट के नीचे भी पहन सकते हैं बिकॉज डबल क्लोथिंग लगी हुई है तो निप्पल दिखने का भी कोई टेंशन नहीं है। तो यू कैन गो फॉर दिस ब्रा, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमाइज़र ब्रा, जो आपके साइज़ को कम दिखाएगा एंड विल गिव यू अ वेरी शार्प लुक। तो उसके ऊपर देखिए इसका जो यहाँ एज दिया हुआ है उसके ऊपर ऐसे नेट भी लगा हुआ है तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है। ये जो है फुल कवरेज वाली ब्रास है, तो जो भी स्ट्रैप्स होते हैं साइड वाले, जो भी हैवी बस्टेड वाले हैं उनको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो फुल कवरेज वाली ही लें ताकि जो भी ओवर बल्जिंग, जो एक्स्ट्रा फैट साइड से निकलता है वो ना दिखे। तो अपनी सेकेंड ब्रा आती है नो सैग ब्रा। तो ये है नो सैग ब्रा। ये नो सैग इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए नीचे अंडरवायर लगा हुआ है जो आपकी मैक्सिमम पूरी ब्रेस्ट को कवर कर लेगा।
तो जिनकी भी हैवी वेस्ट होती है तो उसमें वेट ज़्यादा रहता है, इसलिए आप घर की कोई एक्टिविटीज़ करें या कहीं बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो अगर नीचे सपोर्ट नहीं है या तो आपकी पट्टी बहुत बड़ी होनी चाहिए नीचे की, ताकि आप कितना भी एक्टिविटी करें, कुछ भी मूवमेंट करें, आपकी जो है एक्स्ट्रा स्किन नीचे से बाहर ना निकले। अगर पट्टी बड़ी है तो नहीं निकलता है, अगर पट्टी नहीं है और नॉर्मल ब्रा आपने रेगुलर कुछ भी ऐसी पहन रखा है तब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा स्किन जो है नीचे को उतर जाती है, उसकी वजह से ही जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेस्ट के टिश्यूज, जिसकी वजह से सैगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिनकी जिनको सैगिंग की प्रॉब्लम है वो तो इसको पहन ही सकते हैं, लेकिन जिनकी हैवी बस्ट है, जहाँ चांसेस होते हैं ज़्यादा कि आपको सैगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, उनको भी ये ब्रा पहननी चाहिए, बिकॉज वायर की वजह से जो है आप कोई भी एक्टिविटीज़ करें आपके ब्रेस्ट को एकदम होल्ड करके रखता है, आपको सैगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी ही नहीं। सो यू कैन गो विद दिस ब्रा। एंड दूसरा जो है इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है ये देखिए कितना अच्छा है। तो मेन इसका फोकस ये है कि इट इज़ अ नो सैग ब्रा, यानी आपको सैगिंग के जो सैगिंग जिनको है या नहीं है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपकी बोल्डनेस में निर्भर करता है, वेदर यू वांट टू वेयर इट इनसाइड और आउटसाइड, दैट इज़ कम्प्लीटली द चॉइस ऑफ पर्सन हुएवर वेयरिंग, बट द मेन फोकस ऑफ दिस इज़ दैट इट इज़ अ नो सैग ब्रा। सो दिस इज़ आर सुपर सपोर्ट ब्रा। आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि इसके शेप में इसमें थोड़े से हल्के से पैड्स लगे हुए हैं, ये देखिए, तो आपको इसमें फुल सपोर्ट मिलेगा प्लस फुल कवरेज मिलेगा। तो आप ये वाली फुल सपोर्ट वाली ब्रा जो है, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स ब्रा नहीं भी है तो ऐसी अगर आप फुल कवरेज सुपर सपोर्ट वाली ब्रा पहनेंगे तो आपको जो है कोई भी एक्टिविटीज़ करने में किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं होगा। मैं हमेशा फुल कवरेज वाली ही लेती हूँ, तो ये ब्रास हर कोई यूज़ कर सकता है साइज़ के हिसाब से, बट मेरा मेन फोकस यहाँ है कि प्लस साइज़ वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, एंड प्लस साइज़ वालों को काफ़ी दिक्कतें होती है करेक्ट ब्रास साइज़ सेलेक्ट करने में। इसके स्ट्रैप देख रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी दाग नहीं छोड़ेगा, प्लस आपके ब्रेस्ट को काफ़ी अच्छी तरह सपोर्ट देगा, मतलब आपके ब्रेस्ट अगर हैवी भी है तो बहुत अच्छी तरह ये वेट को ले सकता है। एंड इसका मटेरियल देखिए, मटेरियल तो इतने अच्छे हैं सारे के सारे कि यू विल फील लाइक वेयरिंग द सेम ब्रा फॉर अ वीक। मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं इसी को पहन के रखूँ, इसी को पहन के रखूँ, बट फॉर हाइजीन पर्पस एवरी डे यू शुड चेंज योर ब्रास एंड पैंटीज, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो यहाँ पे देखिए इसका मटेरियल भी ऊपर से सैटिन है, सैटिन का मटेरियल इसलिए देते हैं क्योंकि अगर कॉटन का या किसी और का देंगे, जब आप टी शर्ट मटेरियल टाइप कोई कपड़े पहनते हैं तो ऊपर से जो है फिल्ट बन जाती रहती है, कपड़ा जो है वहीं पे रुक जाता है, लेकिन सैटिन की वजह से जो है आप जो भी ऊपर कोई कुर्ता पहने या कोई टी शर्ट पहने वो उसमें फोल्डिंग्स नहीं आएंगी, वो सरक के फ्लैट रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऊपर जो है स्मूथ कपड़ा देते हैं एंड बैक साइड जो है ये बनियान क्लॉथ देते हैं। एंड इसका शेप देखिए, पीछे आपको आराम से कंप्लीट नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे ऐसी कटिंग्स दे रखी होती है वो सपोर्ट के लिए, ग्रिप के लिए दे रखी होती है। जब भी हम अपने ब्लाउज सिलाते हैं तो उसमें भी चार सिलाइयाँ आती है, जिससे जो है एक ब्रेस्ट का अच्छा शेप बन पाता है, तो यहाँ पे भी वही मोटिव से इसको बनाया गया है। पीछे से आपको शेप दिख रही है, उसकी सिलाई दिख रही है, आगे से नहीं दिख रही है। तो दिस इज़ द थर्ड ब्रा, सुपर सपोर्ट ब्रा। नाउ फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रा, दैट इज़ सुपर स्पोर्ट्स ब्रा। ये देखिए स्पोर्ट्स ब्रा, एंड इसका पीछे से शेप देखिए एकदम ज़बरदस्त है, ये देखिए इस तरह से है, एंड बहुत ही अच्छी तरह आपको सपोर्ट देगा। लिंक मैंने अलग अलग करके सबका मिनिमाइज़र का इस हिसाब से अलग अलग लिंक दे रखा है, तो आपको जो पसंद आती है, मिनिमाइज़र चाहिए या सुपर सपोर्ट चाहिए या नो साइज चाहिए या स्पोर्ट्स ब्रा चाहिए, तो आप उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो आपको इसका शेप देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पैडेड है, बिल्कुल भी पैड नहीं, बहुत पतला सा पैड है, ये देखिए इतना सा पैड है इसमें, लेकिन आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा देता है, इसका शेप काफ़ी अच्छा है। एंड मेनली जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं या वॉकिंग के लिए जाते हैं, वेन एवर यू आर मेकिंग मूवमेंट्स, आपको ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी हैवी ब्रेस्ट होती है, जब आपके शरीर में मूवमेंट ज़्यादा होती है, टिश्यूज़ डेफिनेटली ब्रेक होते हैं, एंड एक बार आपकी सैग हो जाए तो अगर आप प्रॉपरली ब्रा उसके बाद भी नहीं पहनते हैं तो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड एज बढ़ते बढ़ते वो सैगिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आप कितनी भी अच्छी ब्रा पहन ले, एक पॉइंट के बाद दैट विल नॉट होल्ड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आपकी एज है, जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास ऑप्शन है, आप करेक्ट ब्रा को चूज़ करके करेक्ट ब्रा को पहनना अभी से शुरू करें। जिनको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है बस देख के ऐसे ना छोड़ें, अगर लगता है आपको अभी से अमल में लाना चाहिए तो पक्का आपको एक या दो ब्रास आप खरीदिए। अगर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपको डिफरेंट ऑफर्स मिल रहे हैं कि आप 1100 में, 1200 में,
700 में, 800 में 3 या 4 ब्रास ले सकते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ऑफर्स में अवेलेबल है। आप एक ऑफर को यूज़ करके 1000 रुपये खर्च करके 3 ब्रास ले लीजिए, या 800-900 रुपये खरीद के 3 ब्रा ले लीजिए एंड उसको यूज़ करके देखिए। आप किसी हेल्थ इश्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने से अच्छा है आप उसको पहले से रेक्टिफाई करें। तो मेरी तरफ से ये, मैं क्योंकि आपकी वेल विशर हूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ। तो दिस इज़ अमेजिंग स्पोर्ट्स ब्रा एंड दिस गिव्स अ ऑसम ऑसम सपोर्ट। तो मेरे पास ऐसी स्पोर्ट्स ब्रा और भी है 3-4 विच आई रेगुलरली यूज़। जैसे कि आपको मालूम है मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ, तो स्विमिंग में मैं हमेशा एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हूँ, रेगुलर ब्रा नहीं पहनती हूँ। क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा जब होता है ना स्ट्रैप्स यहाँ पे गीलेपन की वजह से, क्योंकि पानी अंदर भी जाता रहता है तो वो लगता रहता है। लेकिन स्पोर्ट्स ब्रा में क्या होता है, स्ट्रैप होती है वो भी बहुत चौड़ी होती है एंड सॉफ्ट भी होता है इसका कपड़ा, तो आपको वो वाला डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। सो दिस इज़ द 4th सुपर स्पोर्ट्स ब्रा एंड दिस इज़ द 5th ब्रा जो मेरी तरफ से मैंने स्पेशली ऐड करी है। दिस इज़ अ ब्रा विच इज़ इन न्यूड कलर। आई ऑलवेज रिकमेंड अ न्यूड कलर ब्रा इन योर वार्डरोब, पक्का होनी ही चाहिए। अगर अभी तक आपने न्यूड नहीं रखी है तो अब से रख लीजिए। तो ये सारी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है सबको फुलफिल करती है। पहला ये सैगलिफ्ट ब्रा है क्योंकि अंडरवायर है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी नो सैग वाली, तो वो चीज़ भी इसमें कवर होती है। प्लस इसमें जो है आपको ये मिनिमाइजर ब्रा भी है क्योंकि इसका शेप ऐसा है। ये सुपर सपोर्ट ब्रा भी है, सैग लिफ्ट वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्लस न्यूड भी है तो हर कपड़े के साथ जो है जाएगी एंड फुल कवरेज भी है, तो सारे जो भी क्वालिटी है वो इस सब में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ये ली है। प्लस इसके ऊपर का जो शेप आपको दिख रहा है ये ऐसे नेटेड क्रोशिया टाइप बना हुआ है, लेकिन ये भी स्ट्रेचेबल मटेरियल में है। एंड ये देखिए बीच में इसका जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है, दिस इज़ सो गुड एंड इट विल गिव यू अ वेरी नाइस शेप। आपके ब्रेस्ट को काफ़ी अच्छा शेप देगा। सो इसलिए मैंने ये सारे पर्पज़ को फुलफिल करता है। एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ब्रा पहननी है जो आपको सपोर्ट भी दे एंड सैगिंग की प्रॉब्लम भी ना हो और बाहर से विजिबल भी ना हो, तब आप ये वाली ब्रा ले सकते हैं। सो दिस इज़ वन विच विल फुलफिल ऑल योर नीड। तो ये कुछ 5 टॉप ब्रास है जो प्लस साइज़ वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आपका साइज़ क्या है, आप कौन सा पहनते हैं, तो बताने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि जो मैं पहनती हूँ वो आपको फिट नहीं आ सकता है। सबका अपना अलग अलग साइज़ होता है बिकॉज देर आर मेनी साइजेस अवेलेबल। एंड आप पूछ के भी अगर वही साइज़ लेंगे, क्या मालूम आपको फिट ना आए, क्या मालूम लूज़ हो जाए, क्या मालूम टाइट हो जाए। तो इसलिए आप करेक्ट साइज़ अगर आपको जानना है तो ज़िवामे पे आपको एक सुपर हेल्प ये मिल जाएगी कि वहाँ पे एक कस्टमर केयर नंबर दिया रहता है। आप ज़िवामे की ऐप डाउनलोड कीजिए या तो ज़िवामे की वेबसाइट पे चले जाइए, मर्ज़ी आपकी कहीं पे भी है। तो आप वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो कस्टमर केयर के रहता है वहाँ पे फ़ोन कीजिए, क्योंकि मुझे भी कभी कभी डाउट आता था, कभी कभी गलत साइज़ की ब्रास आ जाती है क्योंकि एक एक कंपनी का एक एक मॉडल रहता है। तो आप उस कंपनी में फ़ोन कीजिए, मतलब आप कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए और पता कीजिए कि आपका साइज़ क्या है। तो फ़ोन करने से पहले अपने हाथ में एक इंच टेप लेके रखना एंड उनसे पूछना कि मैं आपको अपना जो बैंड साइज़ है एंड जो बस साइज़ है वो बता देती हूँ, और आप मुझे बता दीजिए कि मेरा कौन सा साइज़ है। अगर आप ऐसे पता करना चाहते हैं ऐसे पता कर सकते हैं, या तो उसी में एक ऑप्शन रहता है कि फाइंड आउट योर साइज़, तो वहाँ पे भी वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता रहता है कि आपका अंडर बस्ट कितना है, ओवर बस्ट कितना है। एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि आपका बैंड साइज़ क्या है, ब्रेस्ट साइज़ क्या है, मतलब कप साइज़ क्या है, उसके बाद जो आपका ब्रेस्ट का सेंटर है निप्पल उसके नीचे रहता है या ऊपर रहता है, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि सैगिंग है या नहीं है। ऐसे सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आपको लगता है वो आंसर करके आपको मुश्किल हो रहा है या पता नहीं लग पाएगा, तो आप सीधा कस्टमर केयर को पूछो, आपको वो डायरेक्ट जो जो पूछते रहते हैं उनका आंसर दे दोगे आप, तो आपको करेक्ट साइज़ वो लोग बता देंगे। अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हो या कस्टमर केयर की हेल्प भी ले सकते हो। एंड मुझे लगता है आज इस एक वीडियो से आपको लाइफ लॉन्ग कैसी ब्रास यूज़ करनी चाहिए एंड आपको अपना साइज़ कैसे सेलेक्ट करना है आपको प्रोसीजर पूरा पता लग जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले भी मैंने ब्रास से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करी है, लेकिन हर एक दूसरे से अलग है। तो आप मेरे चैनल पर जाके, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है ब्रास से रिलेटेड वीडियो का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक चिपका दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी बजा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।